नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई स्टेशन चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग कोई भी तरीके के शेप फाइल में या कोई भी मैप में, हम लोग कोई भी टीआईएफ मैप में हम लोग कैसे ग्रिड डाल सकते हैं कोई भी स्पेसिफाइड डिस्टेंस, कोई भी स्पेसिफाइड डिस्टेंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक शेप फाइल लिया है जिसमें मैं अभी ग्रिड डालना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा एक ही स्टेप है, ज़्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगेगा। सिंपल मैंने यहाँ पर एक शेप फाइल इंसर्ट किया है और ये मेरा एक बैकग्राउंड उसका लेयर है, सैटेलाइट इमेजरी है। तो इसको मैं फिलहाल ऑन करके भी रख सकता हूँ, ऑफ करके भी रख सकता हूँ। तो मैं फिलहाल इसको ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा जो आप येलो जो आप ग्रीन कलर का लाइन देखते हैं, ये हमारा एक शेप फाइल है। तो इसको हम लोग इसके चारों तरफ हम यहाँ पर, और ये तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप कोई भी एक में भी डाल सकते हैं या तीनों में भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जिसमें ग्रिड चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पर आपको एक में चाहिए तो आप एक को सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट का ऑप्शन है। ये फीचर ऑप्शन को आप सिलेक्ट ऑप्शन को लेके आप जिसमें आपको शेप फाइल ग्रिड चाहिए उसमें आप सिलेक्ट कीजिए। तो अगर तीनों को लेना है तो आप तीनों को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद आप प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में आप जाके सर्च कीजिए ग्रिड ग्रिड। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में ये मिल जाएगा, ये क्रिएट ग्रिड। यहाँ पर आके जाके आप डबल क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पर आपको मांगेगा, ये एक ऐसा विंडो आ जाएगा जिसमें आपको क्रिएट ग्रिड ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप अपना ग्रिड एक्सटेंड, मतलब आप कौन से लेयर को, आप लेयर में आप ग्रिड डालना चाहते हैं, ये आपको यहाँ से चूज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ ये तीन जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये बटन यहाँ क्लिक कीजिए। करने के बाद यूज लेयर कैनवास एक्सटेंड में क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको जिस लेयर में आपको डालना है, जिस लेयर में आपको ग्रिड डालना है, उस लेयर को चूज कीजिए। यहाँ मुझे दो लेयर दिख रहा है क्योंकि मेरे पास दो लेयर है, ज़्यादा रहेगा तो इस लिस्ट में भी ज़्यादा दिखेगा। तो मैं लेयर चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जो ट्रिक है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा स्पेसिंग, कितने डिस्टेंस के बाद बाद आपको ग्रिड चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला रेडी करके रखा है। यहाँ पर मुझे चाहिए एक ग्रिड चाहिए 500 मीटर इंटू 500 मीटर के डिस्टेंस में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 500 मीटर जितना भी आपको डिस्टेंस रहेगा उसको नंबर 9 से इंटू करना है। उसके उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका रहेगा मैप यूनिट। तो यहाँ पर मैंने 500 इंटू 9 मतलब 4500 हमारा मैप यूनिट रहा। तो मुझे 500 बाई 500 चाहिए, तो मेरा दोनों ही यूनिट होगा 4500 इंटू 4500। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें QGIS में जाके 0.00 4500, 0.00 4500 डालना है। डालने के बाद आपका मांग रहा है ग्रिड CRS मतलब कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम डालना है, जो हमारा बाई डिफॉल्ट रेफरेंस सिस्टम है EPSG 4326, लेके ओके करना है। करने के बाद इसको आप रन कर दें। तो इसके साथ साथ आपका एक नया लेयर क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पर अपना ग्रिड देख सकेंगे। इस ग्रिड को आप एक बार कंप्लीट करने के बाद इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसको आप कोई भी फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको वापस ये ग्रिड आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मेटिंग है वो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लाइन का कलर, विड्थ, जो भी आप चाहे वैसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप KML में भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको KML में करना चाहते हैं तो इसको आप KML में भी सेव कर सकते हैं और इसको फिर आप गूगल अर्थ में भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको आपके काम के अनुसार आप इसको कोई भी फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो स्पेसिंग है ये आप मेजरमेंट अगर करना चाहें करके भी देख सकते हैं। ये मैं इसका मेजरमेंट मीटर में ले लेता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से हम इसको देखते हैं। देखिए 500 मीटर ये हमारा दिख रहा है, 500 मीटर ये हमारा 500 मीटर हो गया। और हम यहाँ पर वापस देखेंगे, ये साइड में भी हमारा
ये 500 मीटर ही रहेगा। ये बहुत ही आसान है, इसको आप यूज़ करें, बहुत ही यूज़फुल टूल है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद जीआई स्टेशन को देखने के लिए। जय हिंद।